नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीईसी यानी कि गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि वन लाइनर जीके में लेकर के आऊँगा और मैं लेकर के आ भी गया हूं। मैंने कहा था आज ही की आज ही अपलोड होगी और आज अपलोड भी होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैंने 25 वन लाइनर जीके है ना, यानी कि इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 25 के सेट लाऊंगा। ठीक है, बिना टाइम गवाए जल्दी से शुरू करेंगे इस चीज़ को, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए नॉर्मल जीके तो हमारा चलता ही रहेगा, आपको मालूम मैंने बताया आपको जो हमारी क्लास चलती रहेगी, हाँ लेकिन उसके साथ साथ वन लाइनर भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आपको मालूम है सेप्टेम्बर तक में एसआई का एग्जाम आ जाएगा और उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ धीरे धीरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये वन लाइनर यानी कि एक बार में सारा जीके इसे पढ़ना कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये भी करते रहिए फटाफट से। सारे के सारे वीडियोज ये जो हैं आपके ये रोज अपलोड होंगे, इस तरह से 25 लाइनर मैं रोज लेके आऊंगा, हर शाम को आपको मिल ही जाएगा और इस तरह से कॉन्सर्ट वाले भी मिलेंगे। क्लियर हुआ? हिंदी कंप्यूटर सारा कुछ क्लियर है, चलो शुरू करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से फेमस कंट्री कौन सी है? ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी कंट्री से हम लैंड ऑफ गोल्ड कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्ड का मतलब क्या होता है? स्वर्ण प्रदेश, स्वर्ण प्रदेश कह लो या स्वर्ण राष्ट्र, है ना, ऐसा ऐसी जगह जिसे स्वर्ण राष्ट्र के नाम से जाना जाता है वो कौन सी है? उसका नाम है घाना। ठीक है, अभी घाना कहाँ आता है? ये आता है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, सिर्फ अफ्रीका में। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिम में पड़ती है अफ्रीका के, उसे घाना को, घाना को क्या क्या नाम दिया जाता है? द लैंड ऑफ गोल्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा, सरकारी भाषा कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं दरबारी भाषा, है ना, जो दरबार में इस्तेमाल होती थी वो कौन सी इस्तेमाल करते थे गुप्त लोग? वो होती थी संस्कृत। क्या होती थी वो? संस्कृत। हाँ लेकिन मुगल वाले कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे? वो थी फारसी, है ना। ठीक है, बिल्कुल ये है वन लाइनर का फायदा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत और वही सरकारी भाषा जब मुगलों के लिए पूछी जाए तो वो हो जाएगी फारसी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि DSLI में प्रयोग किया गया फॉस्फोरस कौन सा वाला होता है? मतलब वो होगा तो फॉस्फोरस, DSLI यानी कि वो मैच बॉक्स, वो जिसे आप माचिस वाचिस सब जलाते हो, मालूम है ना सभी को, वही DSLI है। तो उसमें जो आप फॉस्फोरस उपयोग करते हैं वो कौन सा वाला फॉस्फोरस होता है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वो जो फॉस्फोरस का नाम है उसे कहते हैं लोहित। क्या नाम है वो? लोहित फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ठीक है, वो लोहित फॉस्फोरस होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला भाई, एकमात्र रानी जिसने दिल्ली पर शासन किया, सभी को पता है। ठीक है, देखिए है ना, यही फायदा इसका वन लाइनर का कि जो हमने पहले से पढ़ा वो भी रिवाइज हो जाता है और कुछ नए भी मिल जाते हैं। तो कौन है इसमें भाई? इसमें रजिया सुल्तान, सभी को पता है रजिया सुल्तान, है ना, एकमात्र रानी जो पहले दिल्ली पर, एकमात्र पहली शासिका भी यही है और एकमात्र रानी भी यही है जिसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया था, रजिया सुल्तान ने। क्लियर है, मालूम है ना कौन है? इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में और पढ़ेंगे पर अभी के लिए इतना। भाई महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोल दिया था? कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे महमूद गजनवी नष्ट कर चुका था? यार सभी को सोमनाथ, सोमनाथ का ये मंदिर है। और सोमनाथ कहाँ है? सोमनाथ आता है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने पूरा बर्बाद किया था, पूरे तरीके से लूट लिया था, है ना, पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, नंबर 7, रोबर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन आप देखते हैं, कोई ना कोई कप आपसे पूछा ही जाएगा, तो उनमें से एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। रोबर्स कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? रोबर्स कप भाई ध्यान रखिए हमेशा, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, फुटबॉल में जो टीम जीत जाती है उसे रोबर्स कप मिलेगा, अभी तो आपको मालूम है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? इनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी लगातार 3 एग्जाम में मैंने इसे देखा है, इसलिए बिल्कुल स्टार के साथ आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है डोमिनिक लैपियर, लिख लो डोमिनिक लैपियर। ठीक है भाई, ये इसके नाम है ना, डोमिनिक, ये ओ की मात्रा यहाँ पर, डोमिनिक लैपियर। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? डोमिनिक लैपियर। चल अगला है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रगान को गाने में लगने वाला समय कितना है? सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो यहाँ देख लो, 25 सेकेंड्स। क्लियर है, 52 सेकंड लगते हैं एक राष्ट्रगान को सही तरीके से गाने में। ठीक है, अगला, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये वाला, ये मंदिर का सबसे लंबा गलियारा, ऐसा कौन सा मंदिर ऐसा गलियारा सबसे लंबा है और ये कहाँ पर है? क्लियर है बात, या ये मंदिर सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? मतलब हमारे देश में बहुत सारे राज्य, आपको मालूम है हर राज्य में कोई ना कोई मंदिर है, ऐसा कौन सा मंदिर ऐसा गलियारा बहुत ज़्यादा लंबा है? ठीक है, तो आपको मालूम है ये कौन सा, ये है रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम के मंदिर में जो गलियारा है वो सबसे लंबा है, सबसे लंबा मतलब सबसे लंबा, अब तक किसी का भी इतना लंबा नहीं हुआ है गलियारा, लेकिन रामेश्वरम का है। अब रामेश्वरम कहाँ आता है ये मालूम होना चाहिए, केरला मत बोल देना, ये तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये?
तमिलनाडु में, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इसके बारे में क्या है कि इसे जो 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 क्वेश्चन बने वो सारे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, रामेश्वरम जो है ये पंबन द्वीप में पड़ता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। क्या नाम है उसका? पंबन। पंबन एक आइलैंड है, वहाँ पर पंबन आइलैंड में पड़ता है। अब आप पूछेंगे पंबन आइलैंड कहाँ है, अभी तो नाम सुना नहीं था आपने। आपने वो सुना है मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार क्या करता है, वो आपको अलग करता है किससे? एक पाक स्ट्रेट आती है, पाक जल संधि आती है, बस उसी के पास में है गल्फ ऑफ मन्नार भी, ठीक है, उसी के पास में बिल्कुल पड़ता है वो। तो ये जो है ना, ये चीज़, ये रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम ये पंबन द्वीप, पंबन द्वीप हमारे भारत की भूमि पर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। भारत की भूमि खत्म हो जाएगी और फिर एक ब्रिज पड़ता है, जैसे ये देखो ये बना देता हूँ मैं, ये रहा भारत। तो यहाँ पर एक ब्रिज पड़ता है पहले, है ना, हल्का सा ब्रिज, वो ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज, ठीक है। पंबन ब्रिज से जब आप आएंगे क्रॉस करके तो यहाँ पर छोटा सा आइलैंड पड़ेगा, इसी को कहते हैं पंबन द्वीप, और इसी पर आपका रामेश्वरम है। क्लियर हुआ? रामेश्वरम आपके मेन लैंड पर नहीं है हमारे भारत के, वो उससे कट के थोड़ा सा ब्रिज को क्रॉस, ब्रिज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रिज से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक आएगा पंबन द्वीप पर। पंबन ब्रिज को पास पार करोगे, पंबन द्वीप पर आओगे और यहीं पर रामेश्वरम है। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। और इसी से ये पंबन द्वीप से थोड़ी सी 40 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, है ना, जो श्रीलंका और ये आपको मालूम है इसको अलग भी करता है लगभग लगभग, ठीक है। तो पंबन द्वीप हो गया, मन्नारी खाड़ी हो गया, आपकी ज्योग्राफी भी यहाँ पे स्ट्रांग होती चली जाएगी, वही एक साथ होते हैं, आसपास होते हैं। बस 40 किलोमीटर दूर पंबन द्वीप से आपको क्या मिलेगा? मन्नार की खाड़ी। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन भाई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में जो मौलिक, सीधी सीधी बात है कि भारतीय संविधान में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, है ना, उसकी सूची किस भाग में जुड़ी गई है आपको ये बताना है। तो ये है भाग चार, ठीक है। भाग चार में हमने लिख के रखे अपने सारे के सारे मौलिक कर्तव्यों को। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला है मालूम है? 1975, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1975, है ना, ये वो सन था जब हमने सिक्किम को राज्य मान लिया था, ठीक है, इसे राज्य का दर्जा मिल चुका था भाई। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? एवरीबडी नोज तोप खाना भाई, ध्यान देख लो, तोप लेकर के आया था वो बंदा हमारा, कौन? मुगल शासक, मुगल का फाउंडर कौन है ये? बाबर, ठीक है, हुमायूं के पापा हैं ये, सभी को मालूम है, है ना। भारत, ये भारत में सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया किसी ने अगर युद्ध में, तो वो कौन थे? वो बाबर थे। क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार फिर से इनको थ्रू आउट करो जल्दी से, फिर बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। द लैंड ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? घाना, मालूम है, अफ्रीका का है, वहाँ पे स्वर्ण वगैरह खूब मिलते हैं, ये वेस्टर्न वेस्ट एरिया में पड़ता है अफ्रीका के। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत। और मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फॉस्फोरस क्या था? कौन सा वाला फॉस्फोरस होता है? लोहित वाला। और एकमात्र रानी जिसने दिल्ली पर शासन किया वो रजिया सुल्तान है। महमूद गजनी ने जिस मंदिर को बर्बाद किया था वो सोमनाथ का है। रोबर्स कप आपको समझ में आ चुका है, ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? ये है डोमिनिक लैपियर। और राष्ट्रगान को गाने में लगने वाला समय कितना होता है? 52 सेकंड्स। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर स्थित है? कुल मिला के सीधे रामेश्वरम में, और रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में। और पूरा का पूरा रामेश्वरम जो है हमारे, आपको मालूम है, मैंने समझा दिया आपको कि पूरी की पूरी धरती छोड़ दो हमारी, कौन सी वाली धरती? हमारे भारत की धरती है ना, उसका मेनलैंड छोड़ दो, एक ब्रिज से जुड़ेगा, ब्रिज का नाम पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप से आप पहुंच जाएंगे कहां पर? सीधे सीधे आपके पंबन आइलैंड पर, वहीं पर रामेश्वरम बसा पड़ा है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखोगे, क्वेश्चन ये बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल पूछा गया है। अगला भाई, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची किसमें दी हुई है? भाग चार में दी हुई है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य में मिलाया गया था? 1975 में। और भारत में सबसे पहले तोपखाने का इस्तेमाल किसने किया था? आपके बाबर, जो कि मुगल शासक हैं। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं बाकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा वन लाइनर में कि भगवद गीता का इंग्लिश में अनुवाद, इंग्लिश में जो अनुवाद हुआ था उसका ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, करने वाला यूरोपियन कौन था? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने भी देखा, बड़ा फ्रिक्वेंट है ये क्वेश्चन आने जाने में। भगवद गीता का जो इंग्लिश में अनुवाद किया था वो किसने किया था, किसी को मालूम है? यहाँ पे नंबर 14, चार्ल्स विल्किंस। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं बता रहा हूँ, चार्ल्स विल्किंस, है ना, ये सब बढ़िया से नोट कर लो ये, ठीक है। चार्ल्स विल्किंस हैं, ये यूरोपियन हैं, और यही वो बंदे हैं जिन्होंने भगवद गीता को इंग्लिश में अनुवाद यानी ट्रांसलेट किया था। क्लियर हुआ? आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि नंबर 15 है। 3D इमेज दिखाने वाले फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को आप किस नाम से जानते हो या उसे क्या कहते हो? जो 3D इमेज दिखाता है, ठीक है, अब सभी ने देखा होगा सलमान खान, काफ़ी मालूम है ना वो मशीन, क्या कहते हैं उसे? होलोग्राम, होलोग्राम है ना सलमान खान, मैंने कहा एक मूवी में था वो 3D बिल्कुल लगे हुए थे, समझ पाए इस चीज़ को? 3D इमेज दिखाने वाले फोटोग्राफिक रिकॉर्डर को या रिकॉर्ड को क्या कहते हैं आप? वो कहते हैं होलोग्राम, ठीक है। अगला बेस्ट क्वेश्चन है नंबर 16, पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया है? कुल मिला के पोलियो वैक्सीन, इसको ये जब क्वेश्चन आया था तो ये इस तरह से लिखा हुआ था
कि मुख से लेने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था, ठीक है। तो वो बात एक ही, चाहे पोलियो वैक्सीन बोलो चाहे मुख से लेने वाली बात बोल लो, पर ऐसा नहीं है। पोलियो वैक्सीन जब पहले आती थी तो वो मुख से नहीं ली जाती थी, पहले वो इंजेक्शन के रूप में भी होती थी, ठीक है। हाँ, लेकिन बाद में फिर उन्हें मुख से वाली बनाया गया, यानी कि अब ड्रॉप डालते हैं मुँह से उनके, क्लियर हुआ। तो पोलियो वैक्सीन जो है, तो मुख से जाने वाले पोलियो वैक्सीन का जो था वो विकास किसने किया था, ये था जॉन साल्क, ठीक है, लिख लो जॉन साल्क, ठीक है, जॉन साल्क है ये जिन्होंने पोलियो वैक्सीन का विकास किया था, क्लियर है। ये चार्ल्स विल्किंस हैं, ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होगे चार्ल्स और साल्क में, ये चार्ल्स विल्किंस हैं जो कि भारत भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, और हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वह जॉन साल्क हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीन को विकास किया था। अगला है हमारे पास कि किस राज्य, कोई भी, या ऐसा कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, या तो राज्य या तो केंद्र शासित प्रदेश, राज्य 29 है, केंद्र शासित 7 है, कि भूमि है ना, उसकी भूमि जो है किसी भी राज्य के जैसे भूमि भारत के पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। मतलब अगर मैं कह दूँ तो ये रहा है ना, ये भारत है अगर मेरा, तो आपको मालूम है ये इसका पूर्वी तट है ये वाला, और ये इसका पश्चिमी तट है। तो उसने पूछा क्या है कि ऐसा कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की भूमि है जो भारत की पूर्वी और पश्चिमी दोनों, मतलब यहाँ भी फैला हो, यहाँ भी फैला हो और दोनों तटों पर हो, यानी इस वाले तट पर भी मिले, इस वाले तट पर भी मिले, ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, कहने का मतलब ये कि अगर हमारे ऐसे भारत है तो ये भी एक तट है, ये भी एक तट है, तो इधर पे भी वो दे, इधर भी वो राज्य या केंद्र शासित मिले, इधर पे भी वो मिले। तो मुझे बताओ जरा वो कौन है, सभी को मालूम है पुदुचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, पुदुचेरी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, पुदुचेरी, बिल्कुल ध्यान रखिए। अब बताओ मुझे राज्य की केंद्र शासित, ये केंद्र शासित है, क्लियर है, राज्य नहीं है, समझे, पुदुचेरी। अगला, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसे पढ़ लेना, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, यही है वन लाइनर का फायदा, ठीक है, वन लाइनर का फायदा, आप पढ़िए डीप में, लेकिन आप ये जरूर, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये वन लाइनर में ही कवर हो पाते हैं, ठीक है। चलो आगे, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया राजा कौन सा था, ठीक है, जानते हैं सभी के सभी, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, कौन है भाई वो, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वही बताता चलूंगा मैं आपको, ताकि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। समुद्रगुप्त, ये क्या है, ये भारत का नेपोलियन भी कहते हैं इसे, और यही वो बंदा इसने सिक्कों पर वीड़ा बजाते हुए दिखाया है खुद को, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए भैया अगला, एक्सरे की खोज किसने की थी, एवरीबडी कम ऑन, ये है डब्ल्यू के रोइंडसन, डब्ल्यू के रोइंडसन, ठीक है, ये हैं जिन्होंने एक्सरे की खोज की है, क्लियर हुआ। आपको ये नाम बिल्कुल ध्यान रखने, जो हमने अभी पढ़े हैं, बिल्कुल पहला चार्ल्स विल्किंस, ये भगवत गीता को इंग्लिश में करने वाले हैं, और वहीं पर चार्ल्स की जगह पर साल्क, यानी कि जॉन साल्क, ये पोलियो वैक्सीन बनाने वाले हैं, और एक और अंग्रेजी नाम हमारे पास आया डब्ल्यू के रोइंडसन, ये एक्सरे की खोज करने वाले हैं, ठीक है। अगला भाई बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इताई इताई भाई, इताई इताई क्या, ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि ये तो पल्ले ही नहीं पड़ा, एक बार में तो समझ में नहीं आया क्या था ये, ठीक है। आप ये जो देख रहे हो वन लाइनर, ये पुराने क्वेश्चन ही हैं जो मैं उठा के लाया आपके लिए, जो बार बार पता नहीं कितनी बार रिपीट हुए हैं, आज भी इताई इताई पूछा जाता है। तो इताई इताई क्या है भाई, इताई इताई क्या चीज़ है, पहली बार पहले तो आप ये समझ लो इताई इताई का मतलब क्या। इताई इताई जो होती है ये दर्दनाक अस्थि का रोग है, मतलब हड्डी का रोग है, ये बहुत दर्दनाक, जिसको इताई इताई होता है उसकी हड्डी में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकते हो आप, ठीक है। इताई इताई क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये एक अस्थि, अस्थि यानी कि हड्डी, पसलियाँ सॉरी हड्डी, अस्थि अस्थि रोग है, ठीक है। इसमें बहुत दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, इतना दर्द कि वो बिल्कुल असहनीय होता है, ठीक है, दर्दनाक अस्थि रोग होता है ये, इतना दर्द देता है जब ये हो जाता है कि पूछे मत। अब क्या है कि ये नाम आया कहाँ से, ठीक है, अब ध्यान सुनिए, ये जो अस्थि रोग है दर्दनाक वाला, इसका जो सबसे पहले जो पता चला था ये जापान में पता चला था, कहाँ पता चला था इसका नाम, ये जापान में पता चला था, और जापान में ही उसे कहा गया क्या, इताई इताई, इताई इताई जो वर्ड देख रहे हो ये जापानी वर्ड्स है, क्लियर हुआ। ये है तो अस्थि रोग के नाम, एक रोग जो निकला, लेकिन सबसे पहले जो देखा गया वो जापान में, और जापान वालों ने उसका नाम रख दिया इताई इताई, अब हुआ वो जो भी, ठीक है, समझ गया, इताई इताई जापानी नेम है इसलिए ऐसा दिखता है। अगला भाई, जल में आर्सेनिक की सीमा क्या है, आर्सेनिक सभी जानते हैं, आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक ऐसी चीज है, ये बिल्कुल प्रदूषक की तरह है ना, आर्सेनिक जहर ही मान लो आप इसे। जल में आर्सेनिक की सीमा क्या होती है, ये कितना, मतलब कितना इसको होना चाहिए जल में, और इससे ज़्यादा हो गया तो क्या दिक्कत होगी। जो अभी जो इसकी लिमिट रखी गई है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर,
लिख देता हूँ आपके लिए, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, यानी एक लीटर में इतना मिलीग्राम आर्सेनिक अलाउड है। इसके ऊपर चला गया तो समझो वो जहर बन गया पानी पूरा का पूरा। अब बात है कि क्यों मैं इसको यहाँ पे लिख करके लाया हूँ आपके लिए, सिर्फ वन लाइनर पढ़ रहे हैं या बहुत एक्सेप्शनल कुछ अलग से पढ़ रहे हैं? बिल्कुल अलग से पढ़ रहे हो आप। आर्सेनिक इस समय केमिकली इसलिए फेमस है क्योंकि आपको मालूम है कि बंगाल बेसिन में जो भूमि है, भूमि जल है ना, बंगाल बेसिन है जो अपना, बंगाल मालूम ना सभी को, वही वाला बंगाल जो बेसिन है उसमें जो भूमि जल है ना, वो भूमि का जो जल है वो इसी रसायन से प्रदूषित हुआ है ना, यही वो रसायन है आर्सेनिक जिसने बंगाल के बेसिन के नीचे की भूमि को पूरा का पूरा प्रदूषित करके रखा हुआ है और इसीलिए फेमस है। तो बनी बात है आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है आर्सेनिक पर। क्लियर हुआ? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं साइंस के। अब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, पढ़ना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज़ हाईलाइटेड है उनको तो बिल्कुल मत छोड़ो। जैसे कि आर्सेनिक मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन ऐसा मैंने बनाया है लेकिन इससे जुड़ा है वहाँ पर, क्योंकि मेन तो ये आर्सेनिक फेमस है क्योंकि बंगाल बेसिन पूरा प्रदूषित हुआ इसके कारण। क्लियर हुई बात? और बाकी एक अलग चीज़ हमने पढ़ ली कि भाई वो नहीं पूछेगा तो हो सकता है उसका पूछने का कुछ और तरीका हो, क्योंकि पानी में भी आर्सेनिक रहता है लेकिन कितनी मात्रा में रहता है, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर में। इससे ऊपर गया तो फिर से वो जहर बन जाएगा और यही कारण है कि इससे ऊपर हो गया था बंगाल बेसिन में, इसलिए पूरा का पूरा पानी जो है प्रदूषित बन चुका है। क्लियर हुआ? आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 22 अपना, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर क्या नापता है? ठीक है, लाइट ईयर जो होता है ये क्या नापता है? दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस नापता है। अब डिस्टेंस भी कौन सी नापता है? खगोलीय, है ना, खगोलीय दूरी नापता है भाई, खगोलीय दूरी। क्लियर है? दूरी नापेगा लेकिन कौन सी वाली? खगोलीय दूरी, लाइट ईयर। क्लियर हुआ? आगे वन मोर क्वेश्चन वी हैव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जरा यहाँ पर, फोल, कोल्ट और फिली, ये तीनों नाम किसके हैं, है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। फोल हो गया, फोल, कोल्ट और फिली, ये तीनों नाम किसके हैं? तो ध्यान सुनिए, सबसे पहले तो ये नाम किसके, ये किसी बीमारी के नाम नहीं है, ये कोई वो भी नहीं है भाई, ये जो नाम है ये है एक शावक के, है ना, बहुत ध्यान से देखिए, एक शावक का नाम है। एक शावक को ही फोल कहा जाता है, कोल्ड कहा जाता है, फिली कहा जाता है। अब सवाल है कि ये किसका शावक है? घोड़े का। ठीक है, घोड़े का ही शावक को कहते हैं फोल भी, कोल्ट भी और फिली भी, ये तीनों नाम एक ही के हैं, किसके? शावक के। और शावक भी किसका? बहुत ध्यान से देख लो, घोड़े का है। ठीक है ना, घोड़े के बच्चे को ही आप फोल, कोल्ट और फिली नाम से बुलाते हो, ये उसी के नाम होते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्यों बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA, लगभग सभी को मालूम रहता है, नहीं मालूम है तो ध्यान सुनेंगे, ये कहां पर है? पहला क्वेश्चन हर तरह से पूछा गया और हर तरह से मैं आपको इसे समझाऊंगा, खड़कवासला। ठीक है, कई बार उन्होंने क्या किया है कि जिले लिख दिए NDA का, क्योंकि बहुत फेमस है आपको मालूम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, तो खड़कवासला में है। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, अभी तो डिस्ट्रिक्ट हो गया भाई, जिले के हिसाब से पूछा तो खड़कवासला बता दोगे, अगर जिले जिले वहाँ पर ऑप्शन में दिए हूँ आपको तब। ठीक है, हाँ लेकिन आपसे पूछ लें कि ये जिले कह रहा हूँ मैं, ये जिला ही है लगभग, लगभग थोड़ा सा कटा हुआ है पर ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा किस में आता है? पूरा का पूरा ये खड़कवासला है कहाँ? पूरा का पूरा पुणे में है, समझ गया? पुणे, और पुणे कहाँ आता है? महाराष्ट्र, समझे? तीनों क्वेश्चन बन चुके हैं, तीनों आपके सामने लिख दिए मैंने, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आप लोग को सिर्फ इतना ही मालूम रहता है, ज़्यादातर लोगों की NDA जो है वो ट्रेनिंग देता है। अब कई बार सवाल ये भी हो जाता है कि ये किसकी ट्रेनिंग का सेंटर है, ये आर्मी का है, नेवी का है या फिर आपके एयरफोर्स का है? तो बिल्कुल ध्यान सुन लो, आपकी जो तीनों स्ट्रीम है हमारी, है ना, ये तीनों की तीनों अकेडमी जो है हमारी, जहाँ पर सर्व होते हैं कैडेट्स सेलेक्ट होने के बाद, वो आप चाहे कोई फील्ड हो, सबसे पहले बंदा यहीं आता है। क्लियर हुआ? यानी कि जैसे कि सपोज करो आपने CDS का एग्जाम दिया, आपने NDA का एग्जाम दिया, आप कोई भी फील्ड चुनेंगे, आप सबसे पहले यहाँ आएंगे, आप चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, एयरफोर्स अकेडमी हो, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों के तीनों फील्ड यहाँ पर आएंगे। सभी कैडेट्स की ट्रेनिंग एक साथ होती है यहीं पर, इसके बाद वो अपने अपने अकेडमी में सर्व करने के लिए चले जाते हैं। क्लियर हुआ? सबके सब यहीं ट्रेनिंग लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें? इट इज़ द फर्स्ट ट्राई सर्विस अकेडमी इन द वर्ल्ड, एकमात्र, भाई ध्यान सुनो, मैंने वर्ल्ड का फर्स्ट, पहली, पूरी दुनिया की सबसे पहली है ट्राई सर्विस एकेडमी, एकेडमी इन द वर्ल्ड। भाई बहुत ध्यान से देखो, मैंने वर्ल्ड लगा के रखा है यहां पर,
क्लियर हुआ आपको? इन्होंने बताया जो एनडीए में तीनों की ही ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद फिर अपने अगर एयरफोर्स में आप सिलेक्ट हुए तो एयरफोर्स में चले जाओगे, आर्मी में तो आर्मी में चले जाओगे, नेवी में तो नेवी में चले जाओगे। ये एकमात्र दुनिया की है, फर्स्ट है, ठीक है, एकमात्र तो नहीं कह सकते, अब तो और ही बन चुकी है, लेकिन पहली यही है, फर्स्ट ट्राई सर्विस अकेडमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी पूछ रहे तो भी ध्यान रखना एनडीए ही है वो। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन क्या है भाई? क्लोरोमाइसिटिन क्या होती है? ये ध्यान सुन लो, ये एक दवा का नाम है ना, ये क्या है, एक ये है एक दवा, ठीक है, क्या ये एक दवा, और किस चीज की दवा है? और ये दवा है भाई आपकी टाइफॉइड की, है ना, ये दवा किसकी है? टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड के लिए ही क्या दी जाती है? क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, एक बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने कहा आपको यहां पर भी बता दो। क्लियर हुआ गाइज? ठीक है, तो प्लीज मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और अगर इस तरह के वीडियोस आपको बिल्कुल लगातार चाहिए, अब वो चाहिए क्या, वो तो आते ही रहेंगे वैसे भी, ठीक है। अब मैं सर डेली लाऊंगा, यही शाम का टाइम रहेगा जब आपको वन लाइनर भी मिलेगा, आपके जीके के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स मतलब पूरा कोर्स एसआई का मैं यहाँ पर कवर करूंगा आपके लिए, क्लियर है। बस आप इसे अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, खूब रिविजन करिए, कहीं पर भी अटको इसे बार बार देख लो, प्यारे प्यारे क्वेश्चन से बार बार पूछे गए हैं तो फिर से पूछे जाने की उम्मीद इनकी हमेशा बनी रहती है, इसलिए आप इन्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में तो क्वेश्चंस लाते ही रहता हूँ, एमसीक्यूज आपके लिए आते ही रहेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के भी लाऊंगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारे कुछ आएंगे आपके सामने, डिटेल में भी पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे, पूरा कवर करेंगे आपके एसआई के एग्जाम से पहले, ठीक है गाइज? ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम, फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं अगली बार, ओके।